अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। गाइस, आज की वीडियो में हम एफपीजीए का टॉप मोस्ट एमसीक्यूज का डिस्कस करेंगे। तकरीबन जो हर एग्जाम में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम में मोस्टली एफपीजीए में से इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे के एमसीक्यूज हैं। तो वो फ्रेंड जिन्होंने हमारे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है एफपीजीए का फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे का। क्वेश्चन वन में कहता है द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज फॉर प्रोग्रामिंग इन एफपीजीए। एफपीजीए की प्रोग्रामिंग के लिए द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती है। ऑप्शन को देख लेते हैं। वेरी लॉग, ऑप्शन बी में कहता है VHDL, वेरी लॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। ऑप्शन बी में कहता है पाइथन, ऑप्शन नंबर सी में कहता है बोथ एंड बी। तो फ्रेंड जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं एफपीजीए में प्रोग्रामिंग के लिए वो वेरी लैग और VHDL ये दोनों यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैज द बिल्डिंग ब्लॉक इन वेरी लॉग। जो एफपीजीए के जो वेरी लॉग की जो वेरी लॉग जो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें किस चीज़ को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है एफपीजीए का। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन ए में आउटपुट, ऑप्शन बी में कहता है इनपुट, ऑप्शन सी में कहता है मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर डी में कहता है बाइनरी ऑपरेटर। तो अब जो बेसिकली हम बिल्डिंग ब्लॉक जो वेरी लॉग के अंदर वो मॉड्यूल जो होता है जिसे हम स्टार्ट करते हैं, मेन जो कीवर्ड होता है हमारा मॉड्यूल, उसको हम बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेरी लॉग आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल डिज़ाइन मेथडोलॉजीज इन एफपीजी। एफपीजी के अंदर कितनी डिजिटल डिज़ाइन मेथडोलॉजीज हैं। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन नंबर बी में कहता है टू, ऑप्शन नंबर सी में कहता है थ्री या फिर फोर। तो टोटल जो मेरे पास डिज़ाइन मेथडोलॉजीज हैं एफपीजी के अंदर वो टू डिज़ाइन मेथडोलॉजीज हैं हमारे पास। एक टॉप लेवल डिज़ाइन है, एक बॉटम अप लेवल, या आप देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बताया दूँगी। देर आर टू बेसिक टाइप ऑफ द डिजिटल मेथडोलॉजीज, टॉप डाउन डिज़ाइन मेथडोलॉजी एंड बॉटम अप डिज़ाइन मेथडोलॉजी। हमारी मर्जी हम कौन सी मेथडोलॉजी को उसमें यूज़ करें। तो एफपीजीए में हमारे पास दो टाइप के हमारे पास डिज़ाइन मेथडोलॉजी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है इन एफपीजीए प्रोग्रामिंग द स्टिमुलस ब्लॉक इज कॉमनली कॉल्ड। स्टिमुलस ब्लॉक को बेसिकली एफपीजीए के अंदर से टेस्ट बेंच कहा जाता है। इसको बेसिकली अपने कोड को हम चेक करने के लिए टेस्ट बेंच को इस्तेमाल करके चेक करते हैं कि हमारा कोड वाकई सही है या नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए में कहता है टेस्ट बेंच, ऑप्शन बी में कहता है इनपुट चेक, ऑप्शन नंबर सी में कहता है सिमुलेशन ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी में कहता है ऑल ट्रू। तो इसमें जो हमारा राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है उसे टेस्ट बेंच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास, इसकी डिस्कशन आप देख लेते हैं। द स्टिमुलस ब्लॉक्स कैन बी रिटन इन द वेरी लॉग। तो अ सेपरेट लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टिमुलस ब्लॉक कैन बी रिटन इन द वेरी लॉग, अ सेपरेट लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टिमुलस। द स्टिमुलस ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज टेस्ट बेंच, कॉमनली से टेस्ट बेंच कहा जाता है। डिफरेंट टेस्ट बेंचेज आर यूज टू थ्रूली टेस्ट द डिजाइन ब्लॉक। तो ऑप्शन ए इसमें एक राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन में कहता है इन टेस्ट बेंच द आउटपुट आर रिप्लेस्ड। तो जब भी टेस्ट बेंच के अंदर हम कोड को दोबारा लिखते हैं तो उसमें आउटपुट को किस चीज़ से, मेन मॉड्यूल के अंदर जो कोड है उसको, उसमें आउटपुट को टेस्ट बेंच के अंदर जो कोड होगा उसमें आउटपुट को किस चीज़ से रिप्लेस किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वायर, ऑप्शन नंबर बी रेज रजिस्टर मीन, ऑप्शन नंबर सी में कहता है सम, ऑप्शन नंबर डी में कहता है वोल्ट। तो जब आउटपुट को हम वायर से रिप्लेस किया जाता है, जब भी हम टेस्ट बेंच के अंदर कोड को टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है टेस्ट बेंच के अंदर, तो उसको हम वायर से रिप्लेस करते हैं। जो इनपुट्स होती हैं उसको आउटपुट को वायर से और इनपुट को रेज से रिप्लेस किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन फाइव ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इज़ नॉट द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन VHDL। तो VHDL के अंदर कौन सी ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। सबसे पहले आपको लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन FPGA के, उसके बाद ही आपको ये बता सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में से कौन सी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बिहेवियरल एल्गोरिथम लेवल, ऑप्शन नंबर बी डेटा फ्लो लेवल, ऑप्शन नंबर सी गेट लेवल, ऑप्शन नंबर डी मॉडरेट लेवल। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉडलिंग या फिर एब्स्ट्रैक्शन लेवल इन्हें FPGA के अंदर इन्हें कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर बनता है। ये कोई भी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या फिर मॉडलिंग नहीं है FPGA के अंदर, VHDL के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो राइट आंसर बनता है। अब मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन
प्रोवाइडेड बाय द वीआईडीएल आर बिहेवियरल लेवल, डेटा फ्लो लेवल, गेट लेवल या फिर स्पीच लेवल। चार किस्म की मॉडलिंग हमारे पास यूज होती हैं, चार किस्म के ये एब्स्ट्रक्शन लेवल ये यूज होते हैं एफपीजीए के अंदर। इनको आपने याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये प्यास फेलोशिप से रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो इसमें मॉडरेट लेवल, किसी कोई लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है वीआईडीएल के अंदर, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन वीआईडीएल। अभी मैंने आपको जो लेवल एब्स्ट्रक्शन बताई है, डिफरेंट वर्डिंग बताई है, फोर लेवल एब्स्ट्रक्शन है जो, उनमें से कौन सा इसमें ऑप्शन में अंदर कौन सा लोएस्ट लेवल एब्स्ट्रक्शन है। तो ऑप्शन ए में कहता है बिहेवियरल और एल्गोरिथमिक लेवल, ऑप्शन नंबर बी डेटा फ्लो लेवल, ऑप्शन नंबर डी में कहता है स्विच लेवल। तो फ्रेंड जो हमारा इसमें जो एडवांस जो है वो बिहेवियरल लेवल है, उसके बाद जो डेटा फ्लो है उसके बाद स्विच लेवल, और सबसे जो हमारे पास लोएस्ट लेवल है इंस्ट्रक्शन है वो स्विच लेवल है, जिसके अंदर हम ज़्यादातर वायर्स वगैरह को यूज वायर्स को यूज़ किया जाता है, बहुत कम कम से कम गेट को यूज़ किया जाता है स्विच लेवल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एजिक्स इज डिज़ाइन फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एनटीएस के अंदर कई मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन को देख लेते हैं, स्पेसिफिक टास्क, जनरल पर्पस टास्क, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो आपने याद रखना है जो एफ पी जी इज़ अ फील्ड प्रोग्रामर गेट एरे, एफ पी जी जो हमारे पास जनरल पर्पस किसी भी टास्क के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, लेकिन जो एजिक्स है, एजिक बेसिकली एक चिप है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम स्पेशल पर्पस टास्क को टास्क के लिए इसे यूज़ करते हैं। कुछ स्पेशल पर्पस हमने किसी चीज़ की कंट्रोलिंग करनी है, वाटर का फ्लो कंट्रोल करना हो या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना हो, तो हम एजिक स्पेसिफिक चिप को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको एजिक कहा जाता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट आंसर बनता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं विच इज रीप्रोग्रामेबल, कौन सी ऐसी है जिनमें ऑप्शन के अंदर जो रीप्रोग्रामेबल है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ए में कहता है एफपीजीए, ऑप्शन नंबर बी में कहता है एसजिक्स, ऑप्शन नंबर सी में कहता है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर डी में कहता है बोथ है एंड सी। तो इसमें आपने याद रखना जो एफ पी जी और एजिक्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन प्यास के पेपर में लाजमी इनमें से क्वेश्चन के ये कुछ तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पूरे जो हमारे पास जो एफ पी जी है वो रीप्रोग्रामेबल है, लेकिन जो एजिक्स है वो रीप्रोग्रामेबल नहीं हो सकती, जो माइक्रो कंट्रोलर भी वो भी रीप्रोग्रामेबल है, बोथ एफ पी जी एंड माइक्रो कंट्रोलर आर रीप्रोग्रामेबल। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो राइट आंसर बनता है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, विच इज़ दी हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय द वीआईडीएल। हाईएस्ट लेवल कौन सा है इसमें प्रोवाइडेड बाय द वीआईडीएल। ऑप्शन ए बिहेवियरल और एल्गोरिथमिक लेवल, डेटा फ्लो लेवल, गेट लेवल या फिर मॉडरेट लेवल। तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो हमारे पास वो इसमें राइट आंसर बनता है बिहेवियरल और एल्गोरिथमिक लेवल। ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर भी इसको बताया था, ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है एफपीजीए डिवाइसेस आर डैश टाइप्स। एफपीजीए जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट डिवाइसेस हैं वो किस टाइप के डिवाइसेस होते हैं, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है जी पीएलडी, ऑप्शन नंबर बी में कहता है ईपी रोम, ऑप्शन नंबर डी में कहता है सी में कहता है एस रोम या फिर एसएलडी। तो एफपीजीए डिवाइसेस आर दी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, पीएलडी डिवाइसेस, ऑप्शन ए जो है वो राइट 11 क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं द कॉस्ट ऑफ एजिक्स इज डैश एज कम्पेयर टू द एफ पी जी ए। तो गाइज ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई मरतबा ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी प्यास के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, 12 नंबर क्वेश्चन, ये इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ एजिक्स इज डैश एज कम्पेयर टू द एफ पी जी ए, ऑप्शन ए में कहता है लो, ऑप्शन बी में कहता है हाई, ऑप्शन नंबर सी में कहता है बोथ हैव सेम कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में कहता है या फिर ये बेसिकली मॉडरेट लेवल, ऑप्शन ये ऑप्शन डी इसमें इनकोरेक्ट है, तो या फिर सेम कॉस्ट है ऑप्शन डी में। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है, जो एजिक की जो बेसिकली कास्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एफ पी जी ए, एफ पी जी ए के मुकाबले में एजिक की कास्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर बनेगा। तो गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है लॉजिक ब्लॉक इन एफ पी जी ए कंसिस्ट ऑफ। तो जो एफ पी जी ए के अंदर जो लॉजिक ब्लॉक होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एफ पी जी ए के अंदर मिलियन ऑफ द लॉजिक ब्लॉक्स होते हैं, तो एक लॉजिक ब्लॉक नहीं होता, मिलियन ऑफ द लॉजिक ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन एक ब्लॉक लॉजिक ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है लट डी फ्लिप फ्लॉप या फिर मक्स, लट मीन लुकअप टेबल, डी फ्लिप फ्लॉप या फिर मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर सी बी में कहता है मक्स इन लट,
ऑप्शन नंबर सी में कहता है डी फ्लिप फ्लॉप एंड मक्स, ऑप्शन नंबर डी में कहता है एंड इन एंड गेट्स ऑनली। तो इसका में इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एफ पी जी का लॉजिक ब्लॉक है। तो इस तरह के एक लॉजिक ब्लॉक के अंदर लॉट डी फ्लिप फ्लॉप मक्स और इनपुट्स होती हैं कुछ, और क्लॉक्स के डी फ्लिप जो इनपुट्स हैं और मैक्स और आउटपुट हमें मल्टीप्लेक्सर से हमें आउटपुट मिलती है। तो याद रखना ये एफ पी जी का बेसिकली लॉजिक ब्लॉक है। तो इस तरह के मिलियन एफ के एक लॉजिक ब्लॉक आपको मैंने सामने शो किया, इस तरह के मिलियन एफ लॉजिक ब्लॉक ब्लॉक्स एफ पी जी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, विच हैज़ द हाई परफॉर्मेंस। ऑप्शन में देखते हैं ए एफ पी जी ए, एजिक्स, बोथ या फिर नन। तो एफ पी जी ए जो एजिक्स होता है बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एफ पी जी, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है एफ पी सी से, एफ पी जी से ज़्यादा होती है एजिक की कॉस्ट, तो परफॉर्मेंस भी इसकी ज़्यादा होती है। बी इसमें राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वर्टिकल इन ओरिजेंटल डायरेक्शन इन एफ पी जी इज सेपरेटेड बाई। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्टिकल इन ओरिजेंटल डायरेक्शन इन एफ पी जी इज सेपरेटेड बाई। ऑप्शन नंबर ए अ चैनल, ऑप्शन नंबर बी में कहता है अ लाइन, ऑप्शन नंबर सी में कहता है फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन नंबर डी में कहता है स्ट्रोब। तो वर्टिकल इन ओरिजेंटल चैनल इन एफ पी जी, वर्टिकल इन ओरिजेंटल डायरेक्शन एफ पी जी सेपरेट किस चीज़ से सेपरेट किया जाता है, आपने चैनल से या लाइन से, फ्लिप फ्लॉप से या स्ट्रोब से। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर बनता है। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एफ पी जी इज़, एफ पी जी के बारे में कुछ, एफ पी जी इज़ ऑप्शन ए फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, ऑप्शन नंबर बी फास्ट प्रोग्रामेबल गेट एरे, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल प्रोग्राम्ड एरे, ऑप्शन नंबर डी ऑल आर ट्रू। तो फर्स्ट सबसे पहले वीडियो शुरू कर जब मैं कर रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था एफ पी जी इज़ अ फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है दी स्टेटमेंट बिलोंग टू द विच कंटिन्यू। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है बिलोंग टू विच कंटिन्यूज असाइन, विच कंटिन्यू असाइन इज इक्वल टू असाइन ड्राइव स्ट्रेंथ, इसमें कोई भी आप एलिमेंट आप लिख सकते हैं डिले थ्री या वेरी लॉग। तो कौन सी ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये वाली जो स्टेटमेंट है जिन सेकंड लाइन में जो कंप्लीट स्टेटमेंट है जो हमारे पास कंप्लीट इसका सिंटैक्स गिवन है, ये किस कौन सी मॉडलिंग की, जो मैं चार मॉडलिंग मैंने एफ पी जी का आपको बताई है उनमें से कौन सी ये स्टेटमेंट कौन सी मॉडलिंग के लिए इंस्ट्रक्शन लेवल में ये बिलोंग करती है। ऑप्शन ए में देखते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर बी डेटा फ्लो मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट गेट लेवल, ऑप्शन नंबर डी में कहता है स्विच लेवल। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन प्यास पाकिस्तान प्यास फेलोशिप के प्रीवियस पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के अंदर भी आया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर बनता है ये डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर ये यूज़ होती है, ऑप्शन नंबर बी डेटा फ्लो मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं डैश जो दो ब्रैकेट्स गिवन है इज विच टाइप ऑफ द ऑपरेटर। तो ये कौन से टाइप ऑफ ऑपरेटर है इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है शिफ्ट ऑपरेटर, रिडक्शन ऑपरेटर, कंकेटिनेशन ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बेसिकली ये हमारे पास कंकेटिनेशन ऑपरेटर ऑपरेटर की टाइप टाइप ऑफ दी कंकेटिनेशन ऑपरेटर की टाइप है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनिशियल एंड ऑलवेज आर बेसिक स्टेटमेंट्स ऑफ विच मॉडलिंग। तो ये क्वेश्चन भी प्यास फेलोशिप में एक मरतबा के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में पिछले के प्रीवियस पेपर के अंदर ये आया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं बिहेवियरल एल्गोरिथमिक लेवल, ऑप्शन बी डेटा फ्लो लेवल, ऑप्शन सी गेट लेवल, ऑप्शन डी में कहता है मॉडरेट लेवल। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर बनता है इनिशियल और ऑलवेज बेसिकली ये बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर इन स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है, ये बेसिक स्टेटमेंट है बिहेवियरल मॉडलिंग की। तो ये प्यास फेलोशिप के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहला क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया वो भी प्यास फेलोशिप में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो रजिस्टर्ड ट्रांसफर लेवल आर टी एल इज द कम्बिनेशन ऑफ। फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल है आर टी एल जिसे कहा जाता है, इसको ज़्यादातर आपको बिहेवियर लेवल की मॉडलिंग तक पढ़ाया जाता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड आर टी एल जो लेवल है काफ़ी हाई एडवांस लेवल है, बिहेवियर लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई एडवांस है। तो इसमें कम्बिनेशन होता है बेसिकली बिहेवियर और एल्गोरिथमिक लेवल के कम्बिनेशन से मिलकर जो हमारे पास जो लेवल बनता है वो आर टी एल लेवल, आर टी एल लेवल इज द कम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर प्लस डेटा फ्लो लेवल। तो ऑप्शन बी में कहता है डेटा फ्लो प्लस गेट लेवल, ऑप्शन सी में कहता है गेट लेवल प्लस स्विच लेवल, ऑप्शन डी में कहता है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें जो राइट आंसर बनता है बिहेवियर और एल्गोरिथमिक लेवल, बिहेवियर एल्गोरिथमिक लेवल प्लस डेटा फ्लो लेवल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोसीजरल असाइनमेंट्स। तो वी आई डी एल वेरी लॉग हम यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी कितनी टाइप्स ऑफ द प्रोसीजरल असाइनमेंट्स होती हैं। ऑप्शन ए में कहता है वन टू थ्री या फिर फोर।
तो इसमें दो टाइप आपकी हमारे पास प्रोसीजर असाइनमेंट्स होती हैं, एक ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स। तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दी प्रोसीजर असाइनमेंट्स ऑप्शन है, नंबर वन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट, नंबर टू जो है वो नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स। तो ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स ये ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट ये इसमें ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता। तो इसकी डिटेल को आप देख सकते हैं खुद ही। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, सी एल बी। सी एल बी इज़ ऑप्शन ए में कहता है कन्फिगरेबल लॉजिक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कॉमन लॉजिक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कॉमन लैच ब्लॉक। तो सी एल बी इज़ बेसिकली कन्फिगरेबल लॉजिक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है अ लॉजिक ब्लॉक इन ज़ाइलिनिक एफपीजीएज। तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास एफपीजीए की टाइप्स हैं, एफपीजीए की डिफरेंट टाइप ऑफ किट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हमारे पास जो है एफपीजीए की चिप्स को बनाती हैं। जो एक कंपनी इनमें से ज़ाइलिनिस कंपनी है, इसके अलावा अल्ट्रा कंपनी है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज है। ज़ाइलिनिस कंपनी के बारे में पूछ रहा है, ज़ाइलिनिस की जो एफपीजीए उसके बारे में ये क्वेश्चन है। अ लॉजिक ब्लॉक इन ज़ाइलिनिक एफपीजीए इज़ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें लॉजिक ब्लॉक जो है बेसिकली वो स्लाइस फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपने इसको याद रखना है, ऑप्शन बी जो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सी एल बी। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइज, इसमें कन्फिगरेबल लॉजिक ब्लॉक ही राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर 24 क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन टेस्ट बेक इनपुट आर रिप्लेस्ड बाई। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि जो आउटपुट को हम वायर से रिप्लेस करते थे, और जो इनपुट जो है इनको हम रेज से रिप्लेस करेंगे। टेस्ट बेंच की जो बात कर रहा है, ये मेन मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा, ये टेस्ट बेंच के अंदर जो कोड है उसकी बात कर रहा है। तो इसे हम रेज से रिप्लेस करेंगे, मेन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन है का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी रेज। तो 25 क्वेश्चन ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो जिन स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट प्यास फेलोशिप या इलेक्ट्रॉनिक्स के, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एनटीएस के, जितनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन उनके पास ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच।